हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारे पास जॉब है मलेशिया का जॉब है, अकाउंट्स क्लर्क का जॉब है, जिसमें सैलरी है 2500 से 3500 रेंगित, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बंदे मलेशिया में हैं, जिनके पास अच्छा जॉब नहीं है, जिनको अपना जॉब चेंज करना है हाई सैलरी जॉब में, वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिया में है वो भी कर सकते हैं। और आप लोग अपना रेज्यूम सेंड करिए, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वीडियो में भी दे दूंगा नंबर। आप लोग रेज्यूम सेंड करिए, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। देखो, ये जॉब है एडमिन क्लर्क का, जिसमें सैलरी है 1000 से 2000 रिंगित। इसमें ऐसा होता है ना कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसका सैलरी हाई होता है, जो प्रेशर बंदे हैं उनका सैलरी थोड़ा कम है। इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग रेज्यूम सेंड करिए, मैं इंटरव्यू करवा दूंगा, उसके बाद जॉब हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। ये देख लो, डेटा एंट्री का जॉब है जिसमें सैलरी है 2500 रेंगित, ठीक है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसमें ड्यूटी आवर्स है 10 घंटे का, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, वो जो बंदे मलेशिया में होंगे उनके लिए तो जल्द से जल्द हो जाएगा, 2-3 दिन में जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो इंडिया में है उनके लिए 20 दिन लग जाएगा टाइम। और अभी तो फ्लाइट चालू हुई नहीं है, जब फ्लाइट चालू होगी तभी आप लोग जा पाओगे। तो यह रेस्टोरेंट सर्विस का जॉब है, इसमें आप लोगों ने सैलरी देख लिया 1500 से 2000 रेंगित, ठीक है। वही फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हो। ड्यूटी आवर्स है इसमें भी 10 घंटे का, ओवर टाइम भी मिलेगा, ओवर टाइम के अलग से पे मिलेगा। तो आप लोग अप्लाई करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर हाउस प्रोडक्शन चीफ का जॉब था, देख लो, ये भी 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। इसमें भी ड्यूटी आवर्स था 10 घंटे का। ये देखो, किचन हेल्पर का 1600 से 2400 रेंगित सैलरी है। ये जॉब सबसे बढ़िया है और इसमें आप लोगों का मतलब सैलरी बढ़ता रहेगा। आप लोग अप्लाई कर रेज्यूम सेंड करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।